मटनार, मटनार करके लिखा हुआ है, आगे बढ़ते जाना है। बोर्ड लिखा हुआ है ताम्र घूमा जल प्रपात करके लिखा हुआ है पहले। अब देखना ये है कि नीचे कहाँ से जाना है, विश्राम करेंगे और दमान जी को देखो कहाँ गए हुए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। मेरे यूट्यूब चैनल व्लॉग सरोज पे फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो अभी मैंने जस्ट यहाँ का व्लॉग बनाया है और अभी मैं जा रहा हूँ ताम्र घुमा। यहाँ पे एक वाटरफॉल बनता है, जस्ट इसके पीछे साइड में है वाटरफॉल, तो अपने को घूम कर जाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बाई रूट बताते हुए चलूँगा कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। और नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े चट्टाने हैं, ये देख लो काफ़ी बड़े बड़े चट्टाने हैं। तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं। ये जो पीछे लेके जाती है वो चित्रकूट लेके जाती है, और हम लोग अभी गए थे ये ताम्र, क्या है, महेंद्री घूमर। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ताम्र घूमर। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा, कितना किलोमीटर होगा यहाँ से बताने, देखेंगे अपने अंदाजा। चलो ठीक है, अपने अंदाजा से अपन बताएंगे। और यहाँ पे रोड का काम चल, सीमेंटीकरण किया जा रहा है। हाँ, यही पानी है जो पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखला रहा था, खेत खलिहान से जा रहा है। मटनार करके लिखा हुआ है, आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे खेती बाड़ी चल रहा है जोरों शोरों से। बाइक जब चला रहे ना तो मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और ये देखो यहाँ पे खेती बाड़ी चल रहा है जोरों शोरों से, रोपा लगा रहे हैं। मेहनत का काम है भाई रोपा लगाना दिन भर धूप में। हम तो घूम घूम के थक जाते हैं और धूप निकलती तो हालत हमारी ख़राब हो जाती है। हम लोग तो भाई सुबह से चालू हो जाते हैं काम करने के लिए। हाँ, मक्खन रूट है, गाड़ी को भगाते हैं थोड़ा। सुने साइलेंसर की आवाज़, सावधान मोड़ है। ओके, ओ बाबा, हम बस्तर में अपनी 225 को लेके आए हुए हैं और छोटे छोटे गांव आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। चारों तरफ खेती बाड़ी चल रहा है। गाइस, तो हम लोग यहाँ से आए हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, और ये नज़ारा देख लो आप लोग। यहाँ पे बोर्ड रोड भी कुछ भी नहीं है, बस नज़ारे हैं जो आपको याद रखने हैं। तो एक कच्ची सी सड़कें हैं जिसके थ्रू अपने को आगे बढ़ते रहना है। कच्ची सी सड़कें हैं जो लेके जाएगी ताम्र घूमर ओ तेरी की। ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं। इतना हरियाली ना, ऐसा लगता है कोई पेंट मार दिया है ना, ज़बरदस्त दिखता है दूर से, पास से तो और ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो गाइस, कुछ दूर आने के बाद मैं यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है ताम्र घूमा जल प्रपात करके लिखा हुआ है। पहले यहाँ पे टिकट लगता था लेकिन अभी तो बंद हो गया है, शायद अंदर में टिकट लगे तो लगे। हम लोग ये वाली रूट से आए हैं, ये वाली रूट से। इसमें लंबे लंबे पतले से पेड़ हैं, बहुत प्यारा लग रहा है ये देखने में, घने घने दिखते हैं। और तो गाड़ी अपने को यहीं रखना पड़ेगा। गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ताम्र घूमर वाटरफॉल के पास में। और यहाँ पे बाइक का जो चार्जेस है वो 20 रुपये है और कार का 40 रुपये। झरने के लिए नीचे ट्रैकिंग के लिए यहाँ संपर्क करें, मतलब कि यहाँ पे ट्रैकिंग कराया जाता है जिसका चार्जेस भैया लोग बताए हैं 100 रुपये। गाइस, तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे उतरते हैं और पानी बह रहा है, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर अच्छा खासा लिखा हुआ है, जो भी कचरा फैला है उसको 500 रुपये जुर्माना दिया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, तभी ये साफ़ सुथरा रहेगा। देखो कितना साफ़ सुथरा है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं। तो भाई लोग को मैं वही बता रहा था, जो सड़क है वहाँ पे आप लोग बोर्ड लगाइए, बोर्ड लगाने से लोग खुद ब खुद आएंगे। हालांकि मेरी वीडियो जहाँ तक भी लोग देख पाए मेरी वीडियो को, उन लोग तो पहुँच ही जाएँगे देखने के लिए। और ये देखो भाई नज़ारे यहाँ के, अभी तो मैं आप लोगों को ऊपर से ये नज़ारे दिखला रहा हूँ ताम्र घूमर का। उसके बाद अपन नीचे भी चलेंगे, नीचे से भी अपन वाटरफॉल दिखाएंगे आपको। यही वाटरफॉल बनता है, तो थोड़ा नीचे चलते हैं क्योंकि जाने का ऑप्शन है। और देख रहे हैं बस्तर में आप लोगों को बड़े बड़े चट्टाने ही देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई पानी, देखो कहाँ से आ रही है पानी, वहाँ से पूरा पानी बहते हुए आ रही है। और यहाँ पानी का लेवल बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि जो वाटरफॉल बनेगा नीचे में वो बहुत खूबसूरत रहेगा। चलते हैं और नीचे, पानी की आवाज़ सुनिए आप लोग, वाओ। मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जाऊंगा, आप लोगों को यहीं से दिखलाऊंगा। उसके बाद अपन सब चारों चलेंगे नीचे। ये देखो भाई साहब क्या नज़ारे हैं, भाई क्या नज़ारे हैं,
मन तो कर रहा है कि नहा लूं करके, और यहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खी है, बहुत सारे मधुमक्खी। तो देखिए ताम्रगुमड़ वाटरफॉल, अभी नीचे भी चलेंगे। अब देखना ये है कि नीचे कहाँ से जाना है, हमारे बस्तरिया भाई बतलाएँगे, लेकिन बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं। थोड़ा और नज़दीक चलते हैं। ओ भाई साहब क्या बात है भाई, बहुत ठंडा ठंडा पानी है। वाओ देखो गाइस नज़ारे। गाइस अब आप लोगों को एक्चुअल में वाटरफॉल दिखलाने वाला हूँ। नीचे भी जा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया कि ट्रैकिंग करना पड़ेगा, तो ट्रैकिंग करने के मूड में मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है मुझे, और ट्रैकिंग करूँगा तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी मेरी, क्योंकि हालत पहले से ख़राब है। तो अभी और भी जगह जाने हैं, अगर ट्रैकिंग में अगर समय गंवाएँ तो जो मेन मेन चीज़ें हैं, जो छुपे हुए वाटरफॉल है, वो कवर नहीं हो पाएगा। एक बार यहाँ से नज़ारा देख लो। वो भाई साहब क्या नज़ारे हैं भाई यहाँ से। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे से पूरा फुल वाटरफॉल दिखेगा, और यहाँ पे आप पिकनिक मना सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस है पिकनिक मनाने के लिए। बस वही है कि आप गंदगी मत करिएगा, कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है ये एरिया, और जगह जगह पे ये देखो इस तरह से कांटेदार जाली लगा हुआ है, और मधुमक्खी भी बहुत सारे हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पे चबूतरा बना हुआ है जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं, तो हम भी यहाँ पे विश्राम करेंगे। और दमान जी को देखो कहाँ गए हुए हैं वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ से तो और ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, तो और कैसे लगा थे? ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा वाटरफॉल है, ज़बरदस्त है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ मैं जी, ऐसा वसूल नजर है ताम्रगुमड़ वाटरफॉल। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप भी यहां पर आ सकते हैं घूमने फिरने के लिए। बेहद ही खूबसूरत ये लोकेशन पे ये वाटरफॉल बना हुआ है। मैं तो ये बोलूँगा कि कुछ खाने पीने का सामग्री रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन बैठ के वही खाना पीना कर रहे थे। ये देखो यहाँ पर चबूतरा जैसे बना हुआ है, वहाँ से अपन ये नज़ारा देख रहे हैं, और बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।